इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या, ये आप देख लो। अगर कोई भी बॉडी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकती हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी 2 डायमेंशन में चल सकती हो, ठीक है, सीधे चल सकती हो, मुड़ सकती हो, कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, और अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशन में चल सकती हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। यहां तक क्लियर है? तो गैस कोई भी हो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है ना, तो गैस का कम से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। इसके अलावा रोटेशन वगैरह कर सकती हो तो और जाना होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक फार्मूला लिख लो, एफ इक्वल टू 3n माइनस आर। ये होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 3n माइनस आर। अब n और r क्या है इसको समझ लो। फॉर मोनोएटोमिक गैस, डाइएटोमिक गैस एंड ट्राइएटोमिक गैस। ठीक है, मोनोएटोमिक गैस के लिए n की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू होगी 1। डाइएटोमिक गैस के लिए n की वैल्यू होगी 2 और ट्राइएटोमिक गैस के लिए n की वैल्यू होगी 3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मोनोएटोमिक गैस कौन सी हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, डायटोमिक गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ट्राइएटोमिक गैस CO2, H2O को गैसियस फॉर्म में लेते हैं तो H2O। ठीक है ना, गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन, जैसे मोनोएटोमिक गैस है, इसके मॉलिक्यूल अकेले अकेले रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हीलियम अलग होगा, नियोन अलग होगा, आर्गन अलग होगा, तो इसमें R की वैल्यू होगी 0। ठीक है, R का मतलब कोई गैस कांस्टेंट से मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? डायटोमिक गैस है O2N2H2। ठीक है, O से एक ही टाइप से जुड़ सकती है। ठीक है ना, इसमें एक रिलेशन है और कोई टाइप नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि O को O के अबाउट, O का O के साथ आप यहां पर, यहां बॉन्ड मत गिनना, R का मतलब है रिलेशन। ठीक है ना, तो बस ये हो गया इनका एक रिलेशन। डायटोमिक गैस के लिए आपको बस इतना याद रखना है R की वैल्यू होगी 1। ठीक है ना, डायटोमिक गैस है तो R की वैल्यू होगी 1। और ट्राइएटोमिक गैस है तो ट्राइएटोमिक गैस होती है 2 टाइप की, एक होती है लीनियर और दूसरी होती है नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर जैसे CO2। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसमें R की वैल्यू 2 रिलेशन, एक ये एक ये। ठीक है, तो R की वैल्यू यहां पर होगी 2। क्या बेटा, R कहलाते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, यहां पर रिलेशन से मतलब है, तो यहां पर ये कहलाएगा C का इसके साथ, तो एक इसके साथ रिलेशन है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर नॉन लीनियर है तो क्या होगा, जैसे H2O कैसे लिखते हो, इस तरह से। ठीक है ना, तो जब भी कोई भी एटम नॉन लीनियर होगा तो यहां पर R की वैल्यू हमेशा होगी 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, इसमें एक्शन में हम लेते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन के हिसाब से। ठीक है, इसको आप इस एक्सेस के अबाउट घुमा सकते हो, इस एक्सेस के अबाउट घुमा सकते हो और इस एक्सेस के अबाउट घुमा सकते हो। इसमें क्या होगा, इस एक्सेस के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो इस तरह से R की वैल्यू 2 हो गई। इसमें सिंगल एटम है, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, R की वैल्यू 0। अब आप इन सभी में डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोनोएटोमिक गैस में कितना होगा। फॉर मोनोएटोमिक गैस F की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1 − 0, तो F की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, डायटोमिक गैस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 − 1 इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, तो डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। ट्राइएटोमिक गैस अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 × 3 − 2 इक्वल टू 7। क्लियर है इतना?
और नॉन लीनियर है तो क्या होगा, 3 × 3 − 3 = 6। ठीक है, अब आपको अगर कुछ भी गिवन ना हो कि ट्राइएटोमेगस लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप इसको हमेशा मानोगे नॉन लीनियर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो आपको क्या मान के चलना है, नॉन लीनियर। ठीक है ना, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेना है, 6। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक कहलाता है लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब लीनियर क्या क्या मतलब हुआ, कोई भी गैस कितनी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। ठीक है, ये कहलाता है लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गैस कोई भी हो, गैस का लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी गैस हो हमेशा होगा 3। ठीक है ना, गैस 3 डायमेंशन में चल सकती है कोई भी गैस हो। तो हर एक गैस का लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, चाहे मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक गैस हो, इन सभी का लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। क्लियर है इतना। अब देखते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल, तो इसके टोटल कितने हैं, यह है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मोनोएटॉमिक के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, और 3 × 3 हो गए लीनियर। ठीक है, तो रोटेशनल कितना बचेगा, बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे हम आपसे बोले कि अगर किसी के घर में टोटल इनकम हो 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपए टोटल इनकम हो, और उसको रहने और खाने में, ठीक है ना, 10,000 रुपए खर्च हो जाते हो, उसके बाद पूछा जाए कि वो एक महीने में मूवी देखने कितनी बार जाते होंगे मल्टीप्लेक्स में, तो भाई मनोरंजन सिर्फ तभी हो सकता है जब पैसा आपके पास एक्स्ट्रा हो। ठीक है ना, तो सिर्फ रहने और खाने में खत्म हो गया पूरा पैसा, फिर कहेगा मनोरंजन। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इनका मनोरंजन कितना होगा, 0, एंटरटेनमेंट वाला कोई काम नहीं। ठीक है, एंटरटेनमेंट तब होगा जब आपके पास पैसा हो। ठीक है, उसके बाद महीने में कितनी बार घूमने जाते होंगे ये, ठीक है, तो काय का घूमना, ठीक है ना, घर ही में घूम लेते होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। चलो, तो इनका ना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, बात समझ आ रही है। सेकंड देखो, इसके बाद है डायटोमिक गैस, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5, उसमें से 3 हो गया लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आप कितना बचा, 2। ठीक है ना, तो ये दो तरह से घूम सकता है अपने एक्सेस पर, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। ठीक है, तो टोटल थे 5, 3 हो गया लीनियर, 2 हो गया रोटेशनल, वाइब्रेशन वाला कोई काम नहीं। ठीक है ना, वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ होते हैं एट हाई टेम्परेचर, और हमें इसका कोई जाना यूज भी नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद है ट्राइएटोमिक गैस। ठीक है, लीनियर, तो इसमें जो लीनियर होगी उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 7। ठीक है, 7 में से 3 क्या हो गया, लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशन कितने टाइप से कर सकती है, सिर्फ 2 टाइप से, इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज और इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। ठीक है ना, बचा हुआ कितना है, 2, तो वो जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में, लेकिन वाइब्रेशन होते हैं ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। इसके बाद है नॉन लीनियर। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम था 6, 3 हो गया लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और रोटेशनल कितना कहलाएगा, 3। क्यों, इस एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ होता है हाई टेम्परेचर पर, ध्यान रखना इतनी बात। तो हमें लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल से मतलब होगा, और टोटल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़े थे,
इक्वल टू 3/2 एनआरटी, ठीक है। अगर गैस मोल में दी हो तो एनआरटी, गैस ग्राम में दी हो तो एनकेटी, और गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो तो एनके-टी। थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, इक्वल टू 3 × 1/2 एनआरटी, ठीक है। यह है लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और यह लिखा है लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देख लो लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 आरटी एनआरटी, ठीक है ना। और आपसे बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखते टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 एनआरटी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फॉर मोनोएटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस, डाइएटोमिक गैस और ट्राइएटोमिक गैस, इन तीनों के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लीनियर सॉरी मोनोएटोमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के इक्वल ही होगा। तो मोनोएटोमिक गैस के लिए तो ये 3/2 एन आर टी के इक्वल ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही इतनी? डायटोमिक गैस के लिए कितना होगा, डायटोमिक गैस 5/2 एन आर टी, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। और ट्राइटोमिक गैस के लिए कितना होगा, ट्राइटोमिक गैस अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसे मानते हैं नॉन लीनियर, ठीक है ना। और इसके लिए कितना होगा, 6। तो आप लिखेंगे 6/2 एनआरटी इक्वल टू आ जाएगा 3 एनआरटी। यहां तक क्लियर है? अगर आपको पानी गर्म करना हो तो पानी को गर्म करने के लिए हीट देनी होगी, ठीक है। कितनी हीट देनी है ये डिपेंड करेगा पानी का मास कितना है। ज्यादा पानी गर्म करोगे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम पानी गर्म करोगे कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हीट प्रोपोर्शन टू होता है मास। दूसरा, अब आप पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है, पानी की क्वांटिटी निश्चित हो गई। क्वांटिटी मान लो आपसे कहा कि आप एक छोटे से बर्तन में पानी गर्म करो, तो उसमें भी दो तरीके हैं, पानी को हल्का सा गर्म करना है कि पानी को उबालना है, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्म करोगे कम हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा गर्म करोगे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हीट डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इन दोनों को मिला के लिखते हैं एक साथ, तो आ जाएगा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, ठीक है। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है एस, ठीक है। एस कहलाती है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो आप फार्मूला क्या लर्न करेंगे, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। एम हो गया मास, एस हो गई स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। यहां तक क्लियर है? अब आप इसमें देखो, इफ एम इक्वल टू 1 ग्राम और डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर जिस सब्सटेंस को आप गर्म कर रहे हो उसका मास है 1 ग्राम, ठीक है, और आपको टेम्परेचर कितना बढ़ाना है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Q इक्वल टू कितना होगा, यहां बंद रख दो यहां बंद रख दो, तो Q इक्वल टू हो जाएगा S, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, नहीं है वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा आपको याद रखनी है आइस की, ठीक है, आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, याद रहेगा इतना। तो इसका क्या मतलब निकला, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका आप 1 ग्राम लेके आ गए, ठीक है ना, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी उसकी स्पेसिफिक हीट।